नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। अमृतसर एसटीएफ की टीम ने नाकाबंदी के दौरान दो नशा तस्करों को किया काबू, 5 किलो हेरोइन की बरामद। नाभा की नई जिला जेल एक बार फिर से आई विवादों में, हवालाती और कैदियों के पास से 3 मोबाइल फोन, 4 सिम कार्ड और 1 जोड़ी एयरफोन हुआ बरामद। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से निकाला गया विशाल रोष मार्च, ब्यास से एक बड़ा काफिला हुआ शामिल। और अब हलचल विस्तार से। पंजाब में बढ़ रहे नशे को रोकने को लेकर पंजाब पुलिस और एसटीएफ पुलिस की ओर से सख्ती की जा रही है और नाकाबंदी कर संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग भी की जा रही है। अमृतसर में एसटीएफ के अधिकारी एआईजी रशपाल सिंह की ओर से एक प्रेस वार्ता कर खुलासा किया गया कि उनकी ओर से 5 किलो हेरोइन बरामद की गई है। उन्होंने बताया कि फिरोजपुर जेल के अंदर चल रहे नशा तस्करी के इस नेक्सस का पर्दाफाश किया गया है। एसटीएफ पुलिस को जानकारी मिली थी कि फिरोजपुर जेल में नशा सप्लाई करने वाले दो व्यक्ति मिंटू सहोता और मिंटू नामक व्यक्ति तरन तारण जिले में से नशा लेकर I-20 कार में सवार होकर फिरोजपुर जेल में सप्लाई देने जा रहे हैं, जिसके बाद एसटीएफ पुलिस ने तरन तारण में नाकाबंदी कर दोनों आरोपियों को काबू कर लिया और कहा कि जाँच के दौरान कार की सीट के नीचे से 5 किलो हेरोइन बरामद की। उन्होंने बताया कि मिंटू नामक नौजवान पहले ही फिरोजपुर जेल में बंद था, जहां पर उसकी पहचान सुखजिंदर सिंह के साथ थी, और जब मिंटू जमानत पर जेल में से बाहर आया तो उसने मोबाइल के जरिए सुखजिंदर सिंह से संपर्क साधकर बाहर से हेरोइन खरीद कर सुखजिंदर सिंह को जेल में नशा सप्लाई करता था और इस बार भी नशे की खेप सुखजिंदर सिंह को देने जा रहा था। उन्होंने बताया कि आरोपी को प्रोडक्शन वारंट पर लाकर पूछताछ की जाएगी ताकि इनके नेटवर्क को की ब्रेक किया जा सके। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। साडियां पार्टियां अंडर सुपरविजन श्री भविंदर महाजन डीएसपी दे तरन तारण बाईपास से जरा पट्टी हैगा नाकाबंदी की हुई सी इनपुट के आधार से उत्थे जरा है दो बंदे राउंड अप किए आ जोड़े कि कार से सी और दरानी तलाशी सर्च उन्हों को जोड़ा है वो 5 किलो हीरन जी रिकवर हुई है। सो फरदर इनवैसटीगेशन के दौरान ये पता चलिया कि मिंटू जिदा पिंड धर्मपुरा थाना मल्ला वाला उदा रहन वाला सी और दूसरा जरा नाल एसोसीएट सी उदा नाम भी मिंटू सहोता जरा कि मखू का रहन वाला सी। ये दो जने कार से सवार सन I-20 कार से। सो जो इन्हों रोक के सर्च की गई तो कार के जी है वह 5 किलो हीरोइन जी रिकवर हुई थी। सो ये यही परचा दर्ज करके गां जी तफ्तीश है वह जारी। पंजाब की जेलें अक्सर ही विवादों में रहती हैं, चाहे जेलों के अंदर हर एक कैदी की बारीकी से तलाशी लेकर उन्हें जेल के अंदर ले जाया जाता है, लेकिन फिर भी कैदियों हवालातियों के पास से जेल के अंदर मोबाइल फोन मिलने के कारण जेल प्रशासन पर सवालिया निशान लग रहे हैं, जिसके तहत नाभा की नई जिला जेल में चेकिंग के दौरान हवालातियों और कैदियों के पास से कुल 3 मोबाइल फोन, 4 सिम कार्ड और 1 जोड़ी एयरफोन बरामद हुए हैं। इस संबंधी नाभा सदर के इंचार्ज प्रियांशु सिंह ने कहा कि उन्होंने इस संबंधी 52A प्रिजन एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और वे यह पता लगा रहे हैं कि जेल के अंदर मोबाइल फोन कैसे पहुंचे। वहीं उन्होंने कहा कि वे इन आरोपियों को प्रोडक्शन वारंट पर लाकर इनसे पूछताछ करेंगे कि यह मोबाइल किसने अंदर पहुंचाए। उन्होंने कहा कि इस बाबत वे गहनता से जाँच कर रहे हैं। नाभा से हलचल के लिए राहुल खुराना की रिपोर्ट। उत्थे 3-2 हवालाती ते एक कैदी जिन्हां तो 3 मोबाइल फोन बरामद होया जिस डिफरेंट डिफरेंट सिम कार्ड ने ते इस ते बिहार ते असीं प्रिजनर एक्ट दा परचा दित्ता होया ते अगे वेरीफाई कर रहे हैं। यही जेल जिहड़ा उन्हां दा मतलब जिहड़े उस च रहिंदे ने वार्ड च रहिंदे ने यह उत्थों ही इन्हां दे बरामद होए चेकिंग दौरान। सिम कार्ड भी नाल ही? हाँ जी, सिम कार्ड भी नाल ही ने। हाँ,
शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को विभाजित कर अलग हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनाए जाने के विरोध स्वरूप शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से विशाल रोष मार्च किया गया, जिसमें शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल और अकाली नेताओं ने विशेष तौर पर हिस्सा लिया। वहीं इस काफिले में जंडियाला गुरु नज़दीक ब्यास से बड़ी संख्या में श्रद्धालु अमृतसर जाने के लिए शामिल हुए। जंडियाला गुरु से हलचल के लिए अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट। आज श्री केसगढ़ साहब तो अंबाले तो तख्त श्री दमदमा साहब तो जो वड्डा रोस मार्च जिहड़े वड्डे तिन चल के आ रहे हैं अज साडे माझे की धरती ते इत्थे पहुँचे ने वड्डे तादाद दे विच जिथे असी माझे च हलका बाबा कला साहब के सारे सीनियर लीडर साहबान मेरे साथी श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के मैंबर भाईपुर साहब साढ़े सारे सरकार के प्रधान महिला विंग के साडे सारे ही सीनियर इसत्री अकाली दल के यूथ विंग के सारे साढ़े जिहड़े वीर सज्जन ने सारिया ने रोस मार्च शामिल होए आ और ये वड्डा रोस जिते रिपीटिशन जिहड़ी सुप्रीम कोर्ट पाई गई आ उत्थे मैं समझदा कि ये उन्हां हाकमां दी अखां वी जिहड़े आ पंजाब दे लोक बाहर वसदे लोक जिहड़े अखां खोलणगे। गत दिनों अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक सिख परिवार को एक गोरे द्वारा बंधक बनाया गया था और कुछ दिन बाद पूरे परिवार का बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था, जिसके बाद जब इसकी सूचना मृतक परिवार के भोगपुर के अधीन पड़ते गांव जगीर में पहुंची तो उसी दिन से गांव में शोक की लहर। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस मामले में एक गोरे द्वारा उक्त परिवार की महिला जसलीन कौर, उसके पति जसदीप सिंह, जसदीप सिंह के बड़े भाई अमनदीप और 8 महीने की बेटी रूही की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गौरतलब रहे कि जिस गोरे ने उक्त परिवार को बंधक बनाकर उनका बेरहमी से कत्ल किया है उसने भी खुद को गोली मारकर आत्महत्या करने की कोशिश की है। उसने ये सब उसे नौकरी से निकाले जाने की रंजिश के चलते किया है। फिलहाल उक्त आरोपी उपचाराधीन है। वहीं तीसरे दिन शोक संतप्त परिवार के साथ दुख साझा करने बाबा हरदेव सिंह पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पंजाब सरकार और केंद्र सरकार से मांग करते हुए कहा, विदेशों में जहां जहां भी पंजाबी रहते हैं वहां उनकी सुरक्षा को यकीनी बनाया जाए और उक्त आरोपी पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही कर सख्त सजा दी जाए। भोगपुर से हलचल के लिए पंकज शर्मा की रिपोर्ट। जिस पिंड दे विच हमेशा चहल पहल हुंदी सी उस पिंड दे विच अज 3 दिन तो सोक दी लहर दिखाई दे रही है। तस्वीरां ही तुहानू दिखा दिंदे तस्वीरां भोगपुर दे पिंड जगीर पिंड दीआं ने जिथे 3 दिन तो सोक दी लहर है। सोक दी लहर इस कारण है कैलिफोर्निया दे विच पंजाबी परिवार वल्लों पंजाबी परिवार दा नूं बंधक बनाया जांदा है, उस तों बाद उहनां दी बड़ी बेरहमी दे नाल उहनां दा कतल कर दित्ता जांदा है। इस पिंड दी रहिण वाली जसलीन कौर है, जसलीन कौर का पिंड है। पिंड दे विच 3 दिन तो सोक की लहर दिखाई दे रही है जिथे परिवार ना दुख साझा करन लई समाजिक धार्मिक और राजनीतिक लोग पहुँच रहे हैं। उत्थे ही अज संत बाबा हरदेव सिंह जी पहुँचे ने गलबात कर लैने। हरदेव सिंह जी अज तुसी परिवार ना दुख साझा करन लई पहुँचे हो, परिवार ना गलबात होई की दस्या परिवार ने? परिवार बेचारे देखे नहीं हो रहे जी इस वेले जिन्ना परिवार ते बाणा वरतिया है। अभी तो ये गल कि आए इधर दिन सरकार कि जी सरकार है उत्थे बंदा कुछ सेफ नहीं रह गया। जे वो फड़िया 2 बार दसते परिवार वो अगे बड़ी निकल चुके उन्होंने क्यों रखिया कर लिया, गोली क्यों नहीं मारते, क्यों सरकार ने रखिया, क्यों लोगों दाना लैन रहे हैं? जोड़ा बंदा गलत आ चाहे कितने भी है जिन्हें यही काम शुरू कर दिता है तो वो पब्लिक को तो बचाओ। बहुत माड़ी घटना हुई है और सरकार सेंटर सरकार को भी तो पंजाब सरकार को भी तो बेनती करेंगे कि जरूर परिवार के नाल खड़े होवो। जे सरकार सेंटर सरकार है उत्थे सरकार ते जोर पावे तो उन्होंने सख्त तो सख्त सज़ा जिहड़ी दित्ती जावे गां तो जिहड़े पंजाबी लोग ने वो सेफ हो सकन। जसलीन कौर का परिवार इत्थे रहिंदा है, पहला जसलीन कौर के परिवार को यह इतलाह मिलती है कि परिवार को बंधक बना लिता, उदों दुख का पहाड़ डिग जाता। उस तो बाद बड़ी मनभागी खबर मिलती है कि बंधक बनाए परिवार की बड़ी बेरहमी ना कतल कर दिता। हुण परिवार के हालात देखे नहीं जा रहे, अखां जो आंसू निकल रहे हैं बहुत देखे नहीं जा रहे। जिहड़ी बच्ची आ 8 महीने की बच्ची किदा तड़प तड़प के मरी है, है जी वो जिहड़ा हुण परिवार ने जिहड़ा ये सीन हुण रोज़ आउंदा जिहड़े बंदा कोई आउंदे महसूस करके जाने चल चले हैं
पर जिस परिवार ने वापरी उस परिवार का तो हार ही कोई नहीं, जिस परिवार के चार जी घर चल गए, ये बेटी इन्हों की सी उस चार परिवार टांडे वाले परिवार का हासी पिंड का, वो चार परिवार जी जिद चल गए उस परिवार की कोई जिंदगी थोड़ी रह गई है। जी 8 महीने की बेटी रूही ना दसिया जा रहा, उस कुड़ी ने कुछ देखा भी नहीं, हाली बहुत कुछ देखना सी, ओनू तक नहीं छड़िया और उन्होंने तक नहीं छड़िया जिस बेरहमी ने किया है। और अभी तो ये गल करा कि जिन्हें भी सख्त तो सख्त ये जरा फड़िया है यदि फोटो ने सज़ा देनी चाहिए या दूसरे बंद अकल आ जाए भी गां उन्होंने सज़ा मिली असी वो नहीं बचिया तो असं भी नहीं बच। संगरूर के धूरी मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में पंजाब भर से आए ठेका मुलाजिमों द्वारा लुधियाना हिसार हाईवे को कई घंटों तक जाम किया गया। पंजाब भर से आए ठेका मुलाजिम अपने परिवारों सहित यहां आए हुए हैं, जिनका कहना है कि उन्होंने 1 महीने पहले यहां के प्रशासन को नोटिस दिया था और 5 बार पंजाब सरकार के साथ उनकी मुलाकात हो चुकी है, लेकिन उनकी मांगों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि उन्होंने अल्टीमेटम दिया था जिसको लेकर उनकी ओर से यह रोड जाम किया गया है। उन्होंने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री हिमाचल और गुजरात में जाकर बड़े बड़े बयान दे रहे हैं कि उन्होंने इतने लोगों को पक्का कर दिया, लेकिन वे सड़कों पर हैं। उन्होंने कहा कि जब तक मुख्यमंत्री की ओर से लिखित आश्वासन नहीं मिलता तब तक वे रोड जाम रखेंगे। फिलहाल पुलिस प्रशासन की ओर से प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन प्रदर्शनकारी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। बठिंडा में एक कार चालक और ट्रैफिक कर्मचारी के बीच जबरदस्त हंगामा हुआ। हंगामे की वजह कार चालक द्वारा गाड़ी में स्मोकिंग करना था। ये घटना बठिंडा के भट्टी रोड की बताई जा रही है। जब ट्रैफिक कर्मचारी ने उक्त कार चालक को सिगरेट पीने से रोका तो कार चालक अपने आपे से बाहर हो गया और ट्रैफिक कर्मचारी के साथ हाथापाई और गाली गलौज तक करने लगा, जिसके बाद इस पूरे विवाद का वीडियो ट्रैफिक कर्मचारी ने रिकॉर्ड कर लिया। वहीं जब उक्त कार चालक से इस संबंधी पूछा गया तो उसने बताया कि उसे आज तक किसी भी पुलिस वाले ने सिगरेट पीने से नहीं रोका, लेकिन इस ट्रैफिक कर्मचारी ने उससे मारपीट करते हुए उसे सिगरेट पीने से रोका, जिसके बाद वाद विवाद बढ़ गया। दूसरी तरफ ट्रैफिक कर्मचारी मोहम्मदी का बयान भी सामने आया है, जिसका कहना था कि यह कार चालक गाड़ी ड्राइव करते समय सिगरेट पी रहा था। जब उसको रोका गया तो उल्टा वह उन्हें सबक सिखाने की बात कहने लगा और वर्दी उतरवाने की धमकी देने लगा, जिसके बाद उन्होंने पूरी बात सीनियर ऑफिसर को बता दी। बठिंडा से हलचल के लिए नरेश कुमार की रिपोर्ट। और ट्रैफिक वाला एक कार टाय ऑप्शन नहीं खड़ा ही पुट्टो रोक दो ही जड़ा पर पहले मेनू रोक दो सीट बिना वो ही रोकदा 5-7 बार रोक लेने आज तक डी सीट बिना मैं मुक्का मारा लेंदे ने गड्डी बैठे दे हाँ मोहम्मदी सिंह है ये भट्टी वाले चौंक खड़े भट्टी रोड वाले चालटा जनू तरा जाए सिगट पीन के बड़े सियाने अज तक तो किसी पुलिस वाले ने रोकया नहीं गा जिन्ने बार रोके ने रोकया हाँ मुक्का मारे यार मेरे उतो वीडियो बना के डराउंदा है हाथ राज गड्डी बंद करूं मैं बोली चल तू बोली चल बोली चल तू कोई नी बोली चल गड्डी बैठे सीट पीने तेरा ढिड दुखदा है तू कहनी आ गया ਤੇਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਇਆ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਬੋਲੀ ਚੱਲ ਤੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਰੋਲਾ ਪਾਈ ਚੱਲ ਤੂੰ ਪਾਈ ਚੱਲ ਰੋਲਾ ਤੂੰ ਹਾਂ ਪਾਈ ਚੱਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬੰਦਾ ਨਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਿਦ ਡਰੈਗਨ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਕਿਆ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੇਰੇ ਗਲ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਵਰਦੀ ਲਵਾ ਦੂੰਗਾ ਤੈਨੂੰ ਐਂ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਤੂੰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਦਾਂਗਾ ਅਭੀ ਜਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰੀ ਤਾਂ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਜੀ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਰੋਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਪੈਂਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਮੋਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਮੋਕਿੰਗ। सेंट सोल्जर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन द्वारा वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे अपाहिज आश्रम के मेंटली डिसेबल्ड बच्चों बुजुर्गों और अपंग लोगों के साथ मनाया गया।
इस अवसर पर ग्रुप की वाइस चेयरपर्सन संगीता चोपड़ा, सेंट सोल्जर इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल मनविंदर सिंह, स्टाफ सदस्यों सहित छात्र भी उपस्थित रहे। इस दौरान संगीता चोपड़ा ने बच्चों और बुजुर्गों को सूट और फल बांटकर उन्हें अपना ध्यान रखने के लिए कहा और सभी का मुंह मीठा करवाकर उनके जीवन में मिठास बनी रहने का आशीर्वाद दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मेंटल हेल्थ से जूझ रहे इन बच्चों बुजुर्गों को प्यार का एहसास करवाना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये हमारे समाज का अभिन्न अंग है। उन्होंने मौजूदा हालातों को ध्यान में रखकर आज के युवाओं को मेंटल एकाग्रता के लिए योग, व्यायाम और मेडिटेशन करने के लिए कहा, जो हमारे दिमाग को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की। सेंट सोल्जर ग्रुप ने आज अपहज आश्रम में मेंटल हेल्थ डे बनाते हुए अपनों के साथ एक त्यौहार बनाया, क्योंकि हमारे लिए ये जो है इनका बहुत इम्पोर्टेंस है। अपनापन अगर देंगे तो इनकी जो मेंटल जो हेल्थ है उसको हम इम्प्रूव कर सकेंगे। और सेंट सोल्जर ग्रुप हमेशा यही कोशिश करता रहा है कि जितना प्यार है, जितना समर्पण है वो बांटो, ताकि दुनिया में जब आपने जाना है तो आपने खाली हाथ ही जाना है, आपके साथ यही चीज़ें साथ जाएंगी। और इसलिए हम इनको प्यार करते हैं और अपनाते हैं अपने साथ। और मेरे जो बच्चे अभी आज आए हैं इनको भी यही शिक्षा दी जा रही है, जो कि सिर्फ हमने अपने लिए नहीं सोचना, हमने संपूर्ण दुनिया के लिए सोचना है और सबको अपना बनाते हुए अच्छे भारत का निर्माण करना। धूरी में स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक जागरूकता रैली की गई, जिसमें डेंगू के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। इस रैली में स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। तो वहीं इस मौके पर SMO संगीता जैन ने कहा कि धूरी के सरकारी अस्पताल में डेंगू के हालातों से निपटने के लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि एक स्पेशल वार्ड भी बनाया गया है और एमरजेंसी में भी इसके इंतजाम किए गए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि अब तक डेंगू का एक भी केस सामने नहीं आया है और वे लोगों को इसके प्रति जागरूक कर रहे हैं। वह लोगों को बता रहे हैं कि एक दिन कम से कम ड्राई डे रखें ताकि डेंगू फैल ना सके। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। अमृतसर के बटाला रोड पर गोपाल मंदिर के चुनाव 9 अक्टूबर को होने जा रहे हैं। इसी संबंध में दूसरे पक्ष ने अपने चुनाव मैनिफेस्टो की जानकारी पत्रकारों को दी। इस संबंध में पत्रकारों से बातचीत करते हुए रितेश सोनी ने कहा कि जल्द ही मंदिर के चुनाव होने जा रहे हैं और वे सभी सदस्यों से अपील करते हैं कि वे उन्हें वोट डालकर उनकी कमेटी को बनाएं। उन्होंने कहा कि मंदिर के सौंदर्यकरण के निर्माण कार्य पहल के आधार पर किए जाएं और किसी के साथ भी नाइंसाफी नहीं होने दी जाएगी। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। मंदिर दे धर्म विरोधी जिहड़ियां गतिविधियां चल रही हैं, मंदिर कमेटी वालों चलाइया जा रही हैं, उन्होंने एक अच्छे तरीके नाल सनातन धर्म के मुताबिक ढाल के कराया जाए। उस कोई वितकरा ना किसी ना किया जाए, कोई जैलसी मन च रख के किसी मंदिर भगत नाल जैलसी वाला भाव ना किया जाए। ये इलैक्शन जो होने जा रहा है, मैं सारे मैंबरों को यह बेनती करदा कि आपां आओ उस टीम को चुनीए जिहड़ी टीम धर्म नाल खलोती है, उस टीम को चुनीए जो लोगों का भला चाहती है, उस टीम को चुनीए जो महल के नाल महल का मंदिर है महल के नाल आके खड़ी है। मैं फिर बेनती करदा कि मैं किसी के खिलाफ नहीं हाँ, मैं किसी ए टीम या बी टीम के किसी बंदे के परसनल खिलाफ नहीं हाँ, लेकिन नीतियां के खिलाफ हाँ जो साढ़े धर्म के उल्ट चलाईया जा रही हैं, वो नीतियां सुधारिया जाए। और बी टीम जिहड़ी कि साड़ी ने प्रण लिया कि असी मंदिर विच कोई गलत काम सनातन धर्म के उल्ट काम नहीं होंदे आंगे। जो खिलिया होया साडा मंदिर है हमेशा खिलिया रहे, अज तक इतने कभी एहो जी बो नहीं आई, लेकिन अगों भी खुशबुआ इतने छड़े मंदिर ताकि लोगों को होर प्रेरित किया जाके सनातन धर्म नाल जुड़े। पंजाब में जब से आपकी सरकार बनी है तब से आप पार्टी के विधायक लगातार एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं, जिसकी ताज़ा मिसाल तब देखने को मिली जब नाभा में BDPO कार्यालय का विधायक गुरदेव सिंह देवमान की ओर से औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान BDPO कार्यालय में सीनियर सहायक लेखाकार जगदीप सिंह को शराब के नशे में धुत ड्यूटी पर आने को लेकर उन्हें कड़ी फटकार लगाई गई। इस दौरान विधायक मान ने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति नशे की हालत में कार्यालय में पाया गया तो उसके खिलाफ विभागीय कार्यवाही की जाएगी और इस लेखाकार के विरुद्ध भी विभागीय कार्यवाही की जाएगी। नाभा से हलचल के लिए राहुल खुराना की रिपोर्ट। ए थोड़ी कुर्सी है, तुझे कुर्सी दे क्यों नहीं बैठे भाई साहब, हां जी कुर्सी दे क्यों नहीं बैठे भाई साहब, थोड़ी शराब पीती हुई है।
ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਆ? ਕਦੋਂ ਪੀਤੀ? ਸਵੇਰੇ। ਕਿਉਂ ਪੀਤੀ ਸ਼ਰਾਬ? ਕੋਈ ਘਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਠੀਕ ਹੈ? ਫਿਰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿਉਂ ਪੀਤੀ ਤੁਸੀਂ? ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਰੋਜ਼ ਪੀਂਦੇ ਸ਼ਰਾਬ? ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜੌਬ ਤੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਹੈ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਹਦੀ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ? ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ, ਹੈ? ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਚ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਕਰੋ, ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਆ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਆਫਿਸ ਨਾਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅੱਛੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋ। ਸਰ, MLA ਸਾਹਿਬ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੰਪਲਾਈ ਹੈ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੇ ਡਰਿੰਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਵਾ, ਵੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭੇਜਿਆ ਵਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਢਿੱਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦਵਾਈ ਦਵਾਉਣ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਹਿ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਥੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਲੇਖਾਕਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਗੱਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਔਰ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ, ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ। ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਨਾਭੇ ਦੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਤਨਖਾਹ 50,000 ਰੁਪਈਆ। ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਟਸਐਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੜੇ ਨਲਾਇਕ, ਇਹੋ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਥੂਥੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕਿ ਜੀ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟੋਤਸਵ ਕੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਮੇਂ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕਿ ਮੰਦਿਰ ਅੱਡਾ ਬਸਤੀ ਸ਼ੇਖ ਸੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਨਿਕਾਲੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਮੇਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਸੇ ਸੁੰਦਰ ਝਾਂਕੀਆਂ, ਹਾਥੀ, ਘੋੜੇ, ਊਂਟ ਆਦਿ ਵੀ ਸਜਾਏ ਗਏ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗੁਰਾਲ, ਆਪ ਨੇਤਾ ਹਰਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੰਟੀ, ਕਾਕੂ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਸੇ ਉਪਸਥਿਤ ਹੋ ਕਰ ਮਾਥਾ ਟੇਕ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਦਿਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੇ ਸਦਸਯੋਂ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਆਏ ਹੋਏ ਗਣਮਾਨਯ ਵਿਅਕਤੀਓਂ ਕੋ ਸਿਰੋਪਾ ਦੇ ਕਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਸੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਬੱਬੂ ਥਾਪਰ, ਲੱਕੀ, ਰਿਸ਼ੀ ਸਹੋਤਾ, ਰਵੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਹੈਪੀ ਲੱਕੀ ਥਾਪਰ, ਦਿਨੇਸ਼ ਕਪੂਰ, ਗੌਰਵ ਥਾਪਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੌਸ਼ਨ ਲਾਲ ਥਾਪਰ, ਆਯੂਬ ਸਲਮਾਨੀ, ਮੁਕੇਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ, ਬੱਬੂ ਜੈਰਤ ਸਹਿਤ ਅਸੰਖਿਆ ਬਗਜਨ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਜਲੰਧਰ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲੀਏ ਜਗਮੋਹਨ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਔਰ ਅਬ ਅੰਤ ਮੇਂ ਹਲਚਲ ਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਓਂ ਪਰ ਏਕ ਨਜ਼ਰ ਫਿਰ ਸੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ STF ਕੀ ਟੀਮ ਨੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੋਂ ਕੋ ਕੀਆ ਕਾਬੂ, 5 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਕੀ ਬਰਾਮਦ। ਨਾਭਾ ਕੀ ਨਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਏਕ ਬਾਰ ਫਿਰ ਸੇ ਆਈ ਵਿਵਾਦੋਂ ਮੇਂ, ਹਵਾਲਾਤੀ ਔਰ ਕੈਦੀਓਂ ਕੇ ਪਾਸ ਸੇ 3 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, 4 ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਔਰ 1 ਜੋੜੀ ਏਅਰਫੋਨ ਹੁਆ ਬਰਾਮਦ। ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਨਿਕਾਲਾ ਗਿਆ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ, ਬਿਆਸ ਸੇ ਏਕ ਬੜਾ ਕਾਫਿਲਾ ਹੁਆ ਸ਼ਾਮਿਲ। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।